पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले लाल डायरी का मामला उछलने के बाद बीजेपी उत्साहित है। गहलोत और पायलट के बीच करीब पूरे इस कार्यकाल में चली सियासी जंग और अब लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोढ़ा का सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के रण में विरोधियों को परास्त करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम खुद रणनीति बना रही हैं, सांसदों और विधायकों से जमीनी हकीकत का फीडबैक ले रही हैं और लगातार चुनावी रैली कर वोटों के जुगाड़ में लगे हुए हैं कि पहली बार होगा जब पीएम मोदी किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में वे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या खास प्लानिंग की जा रही है? ये वो सवाल है जो कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा रहा है। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी की सक्रियता से परेशान कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट खोजने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट को देखें। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले लाल डायरी का मुद्दा उछलने के बाद बीजेपी उत्साहित है। लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोढ़ा का कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, बीजेपी के हाथ लगा ये वो हथियार है जिसके जरिए बीजेपी राजस्थान के रण में गहलोत सरकार पर जोरदार हमला कर रही है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच चली सियासी जंग के बावजूद बीजेपी की कांग्रेस सरकार पर पिछले 4.5 सालों में जो भी हमले करने की रणनीति रही है वो सुस्त सी रही, लेकिन अब बीजेपी ने लाल डायरी के चक्रव्यूह में गहलोत सरकार को फंसाने की पूरी रणनीति बना ली है। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले रेप और अत्याचार की घटनाएं भी गहलोत सरकार को सियासी चक्रव्यूह में फंसा रही है। खास बात यह है कि इस सियासी चक्रव्यूह की पूरी कमान खुद पीएम मोदी के हाथों में है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब बीजेपी ने पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के आधार पर ही न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि अब चुनावों की सीधी जिम्मेदारी भी स्वयं पीएम मोदी ही संभालेंगे। बीजेपी ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव वाले 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे कर चुके पीएम मोदी ने अब राजस्थान के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया। इसमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की माने तो इसके बाद राजस्थान के विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर उनके साथ भी संवाद करेंगे और जमीनी स्थिति का फीडबैक लेंगे। ये बैठकें संभागवार होगी। टिकट वितरण पर भी पीएम मोदी की कोर टीम ही फैसला करेगी। सूत्रों के अनुसार विधायकों की पहली मीटिंग 25-26 अगस्त के आसपास हो सकती है। वहीं पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में पीएम मोदी 3 स्थानों पर सभा या दौरे कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत सभी 200 सीटों की सटीक रिपोर्ट लेने के लिए अपने 200 तेज तर्रार विधायकों को काम पर लगाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, यूपी और उत्तराखंड से 200 बीजेपी विधायकों का चयन किया है जो अपने अपने राज्य में चुनाव जीतने के माहिर है। अब उन्हें अगस्त महीने में एक एक विधानसभा सीट पर काम करना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही 200 विधायकों की फौज यहां पर उतार दी जाएगी। सवाल ये है कि राजस्थान बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि खुद पीएम मोदी को यहां का चुनावी कमान संभालना पड़ा। दरअसल राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 2 बार लगातार लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी ने वर्ष 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें कांग्रेस से छीन ली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में एक सीट नागौर गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल को दी गई है। 2019 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी,
लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब जबकि 2024 में सत्ता की फाइनल जंग होनी है तो पीएम मोदी की नजर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। जी हाँ, तो राजस्थान के सियासी चक्रव्यूह की आज हम बात करेंगे। दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है, लाल डायरी का जो विषय है वो भी बखूबी उठाया जा रहा है। इस सियासी चक्रव्यूह की पूरी कमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका है जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं और के आधार पर ही न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि अब चुनावों की सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली है और आगे भी संभालेंगे। लेकिन इससे कितना फायदा होगा और क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन लाल डायरी का जो मसला है वो कितना फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को और कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा, तमाम विषय को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मदन प्रजापत जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। मदन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। राजस्थान प्रधानमंत्री के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, राजस्थान नहीं, जहाँ चुनाव होते हैं वो प्रत्येक प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम विपक्ष में यहाँ साढ़े चार साल तक हमने सेवा की है जनता की। हम कोरोना काल में जो ये सरकार है वो 5-स्टार होटलों के अंदर व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहा था और जनता की सेवा कर रहा था। चुनाव के लिए तो कहते हैं हम तो चुनाव के लिए सब चीजें तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री तो तारीफ कर रहे थे कोरोना काल में। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो तुलना आप यहाँ के उनसे नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस कार्य की तारीफ कर रहे थे भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा किसी मुख्यमंत्री का नहीं, भीलवाड़ा एक कलेक्टर लगे हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां पे लॉकडाउन को पूरी तरीके से समृद्ध किया, लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लागू किया, उसके लिए तारीफ के काबिल थे। लेकिन एक जिले के प्रदेश के एक जिले के अंदर तारीफ कर दें या वहां शुरुआत के कार्यक्रम सही हो जाएं तो इसका मतलब नहीं है कि राजस्थान में कोरोना की स्थिति अच्छी थी। राजस्थान में कोरोना के अंदर किस तरीके से वेंटिलेटर नहीं मिले, किस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिली, और किस तरीके से ये सरकार पूरे देश का हाल था ना, पूरी की पूरी सरकार राजस्थान का ही था क्या? माउंट होटल के अंदर वो पूरे देश का था। चलिए, कोरोना पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कोरोना पे जाएंगे तो मुद्दे से हम भटक जाएंगे। मुद्दे पे रहिए, राजस्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों, और सवाल इस बात को लेकर कि ऐसा क्या हो गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान की कमान संभालनी पड़ रही है? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी है, ये आपका विश्लेषण हो सकता है, मैं आपके विश्लेषण पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ता है, नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक चुनाव लड़ा जाता है, शीर्ष नेतृत्व तक चुनाव लड़ा जाता है, तो चुनाव लड़ने का काम जो है वो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो आप ये केवल प्रधानमंत्री जी तक सीमित नहीं हो सकते, और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ते हैं, सभी लोग चुनाव में जाते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। हाँ, हमारे पास में ये सत्य है कि हमारे पास में करिश्माई नेतृत्व है जो देश ही नहीं दुनिया का चेहरा है, तो उसका हमारे साथ है तो उसका निश्चित रूप से हमको फायदा मिलता है, और वो हमारे लिए उनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं, जिस तरीके से महिलाओं के लिए शौचालय लेके आए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला लेके आए, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन लेके आए, स्ट्रीट बाइंडर के लोन लेके आए, जिस तरीके से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लेके आए, जिस तरीके से गरीबों के 2014 में भी आप ये बोल के आए थे ना, चुनाव लड़ा था कि 2014 में ये बोला था, फिर जब उसके बाद जब चुनाव हुआ तब भी ये कहा था कि देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत योजनाएं लेके आ रहे हैं। 2014 में ये कहा था कि हम आएंगे तो ये करेंगे, फिर 2019 में आपने कहा कि राजस्थान में हमारी दोबारा रिपीट करवाइए सरकार, लेकिन उसके बाद तो आपने देखा किस तरह की चीजें निकल के सामने आई। अब सवाल इस बात को लेकर है, पौरुष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए ना किस तरह से खुद कमान संभाले हुए राजस्थान की,
और जैसे कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग राज्य सौंप दिया गया है, तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। और राजस्थान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और वो कहते हैं कि राजस्थान पे खास फोकस, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बढ़ जाती है? देखिए नेहा जी, जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, मैं बिल्कुल इस बात से आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि राजस्थान जो है वो बीजेपी के लिए इतना ज्यादा टिपिकल है कि उनको जो अपना जो मेन महारथी होता है, जो एक राजा होता है सेना के अंदर, देखिए इनको सीधा उसको उतारना पड़ा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये आप इस बात को देखिए कि राजस्थान में हमारी सरकार के द्वारा कितने महत्वपूर्ण कार्य कराए गए कि पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी को हमारे खिलाफ उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला। आप देखिए हमारे द्वारा जो है जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई उनको लेकर के जनता में इतना हर्ष का माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी सहित पूरे भाजपा के तमाम नेता बौखलाए। बीजेपी को मुद्दा मिला या नहीं मिला, लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने आपको बहुत मुद्दा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया। मैं एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर राजस्थान में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु आप देखिए प्रधानमंत्री जी की हताशा, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार राजस्थान में पिछले 9 साल से केंद्र सरकार के नाते कार्य करी है। प्रधानमंत्री जी के को अपने भाषणों में खुद की केंद्र सरकार के कराए हुए राजस्थान के लिए 9 कार्य भी नहीं है उनको बताने के लिए, उनके पास हमारी कोई भी विफलता नहीं है। इसलिए वो राजेंद्र गुड़ा जी जैसा एक स्थिर अपरिपक्व राजनेता की बात को प्रधानमंत्री जी अपने अपरिपक्व नेता आज आपको लगने लगे, इससे पहले तो नहीं लग रहे थे जब उनको मंत्री बनाया गया था। देखिए नेहा जी, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि लाल डायरी वाला मुद्दा है, मैं आपसे इस बात को मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। मैं इस बात को एक राजनीतिक रूप दे करके इसको कोई इसका बहुत हवा बनाना नहीं चाह रहा। मैं आपसे एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसी ने कोई सर्च करी और अगर उस बीच में आकर के कोई आदमी उठा के उसकी प्रॉपर्टी जब्त की हुई प्रॉपर्टी को उठा करके ले जाता है, तो तत्काल निश्चित तौर पर इनकम टैक्स को उसी समय उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा कह रहे हैं और गुड़ा जी जैसा खुद कह रहे हैं कि मैं वहां से लेकर के भाग गया, वो उस समय भाग गए, परंतु आप देखिए न्यायालय में दिया हुआ बयान और विधानसभा के पटल पे दिया हुआ बयान कानूनी तौर पर बराबर की मान्यता रखता है, बराबर की स्वीकार्यता रखता है। जबकि राजेंद्र गुड़ा जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर विधानसभा में मेंशन किया कि जब इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था तो हम उस समय डायरी लेकर भागा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसमें जरा भी सत्यता होती तो आप क्यों नहीं राजेंद्र गुड़ा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते? सबसे पहला सवाल, अगर इस मामले में जरा सी वास्तविकता होती तो मैं इनको सुझाव भी देना चाहता हूँ कि इनको तत्काल राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए कि वो केंद्रीय एजेंसियों के सर्च के दौरान उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, उनके द्वारा जब्त की हुई कथित डायरी को लेकर के भाग गए। परंतु देखिए मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी उस चीज की सत्यता पता है कि उस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपका ध्यान कल इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के द्वारा ये कैसे तय होगा कि लाल डायरी में ऐसा कुछ नहीं था? वो तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत बताइए। देखिए नेहा जी मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि इनके द्वारा आपने पिछले इनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जब इनको जरा विपक्षी राज्यों में इनको जरा सा भी कुछ क्लू मिलता है तो ये लोग तुरंत वहां पे भाग करके केंद्रीय एजेंसियों को ईडी को सीबीआई को भेज देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब एक हमारी सरकार में रहा हुआ मंत्री अगर विधानसभा में दम ठोक करके इस बात को बोलता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि न्यायालय में कहीं भी कोई बात या विधानसभा में कहीं भी बात कानूनी तौर पर 100% एक वो सबूत के तौर पर मानी जाती है, तो क्या अगर इस बात में सत्यता होती तो क्या केंद्रीय एजेंसी अब तक पीछे रहती? निश्चित तौर पे नहीं रहती। कब का राजेंद्र गुड़ा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दी गई होती और वो एक बहुत बड़ा हुआ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना सर कि उसमें तो अशोक गहलोत के बेटे का भी जिक्र है, और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है तो वहां पर किस तरह की गड़बड़ी हो रही है उसका भी जिक्र है। जब परतें खुलेगी तो वो खुलती जाएगी और लाल डायरी के पन्नों में उलझती हुई पूरी कांग्रेस दिखाई देगी। देखिए मैं नेहा जी आपको पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पहली स्टेप तो इनकी ये होनी चाहिए, अगर ये लोग वास्तव में इसको मामले को सही पाते हैं तो इनको सबसे पहले राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपका ध्यान इनके सीपी जोशी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा कल एक फेसबुक पोस्ट की गई, आप उसमें देखिए कि इन्होंने कुछ जो डायरी के कथित पन्ने, पता नहीं वो डायरी किसने लिखी है, परंतु जो भी लिखा है उन्होंने उसको अंडरलाइन करा है। आप उसमें पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है जो अंडरलाइन करा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि हमने उनसे कहा कि आरसी के चुनाव का हिसाब कर दो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि घर में अगर हम छोटा सा एक धार्मिक आयोजन भी करवाते हैं या छोटा सा कोई सामाजिक प्रोग्राम भी करवाते हैं, या आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपके प्रेस क्लब के इलेक्शंस भी होते हैं, अगर
तो क्या उनका हिसाब नहीं होता कि भाई चाय का हिसाब, पानी का हिसाब, गाड़ी घोड़े जा रहे हैं उनका हिसाब, तो हिसाब करना इसमें उसमें कोई ऐसी चीज थोड़ा लिखी है कि हमने फलाने को वोट देने के लिए इतने लाख रुपए दे दिए, इतने करोड़ रुपए दे दिए, आप बोल पड़िए उस चीज को, उसमें ये शब्द, अगर अगर मैं पहली बात उस डायरी को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कथित डायरी कह रहा हूँ मैं, जो उन्होंने जो कल इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो फोटोग्राफ जारी करे हैं, अगर उसको एक मिनट के लिए सही मान ली जाए, आप उसकी लैंग्वेज पढ़िए, उसमें क्या आपत्तिजनक है, उसमें लिखा है कि है ना आप काले कारनामों का जिक्र कर रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं काले कारनामे डायरी में, ये तो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो मैं देखिए मैं निश्चित तौर पे इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, मैं मदन जी से पूछ रही थी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जी मदन जी, जी देखिए नेहा जी, मैं बड़ी इनको सुन रहा था, पोरस जी को, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सुनेंगे, हिम्मत होगी इनमें सुनने की। दो चीजें कही इन्होंने, एक तो लाल डायरी में कहा कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, और दूसरा इन्होंने कहा कि लाल डायरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी केस दर्ज करवा दे, रिपोर्ट दर्ज करवा दे। पोरस भारद्वाज जी, राजेंद्र गुड़ा राजस्थान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उस लाल डायरी को टेबल करना चाह रहे थे, आपके संसदीय मंत्री ने उसको टेबल नहीं करने दिया। 80 साल का बुजुर्ग मंत्री भागता है और उस लाल डायरी को पकड़ता है और उसके पन्ने फाड़ने की कोशिश करता, पन्ने फाड़ देता है। अगर आपकी ईमानदारी थी तो सदन में उस लाल डायरी को पेश करते और उस लाल डायरी के अंदर जो था उसको सफेद कर देते, लेकिन आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट था, और लाल डायरी पकड़ने के बाद भी शांति धारीवाल के हाथ में जो पन्ने हैं आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किए कि बता दो ना, अगर कुछ नहीं था तो बता देते, आप उसमें था कि नहीं था। दूसरी ये कह रहे केस दर्ज करवा दो, अरे केस कौन दर्ज करवाएगा? राजस्थान के अंदर मुखिया कौन है? राजस्थान के अंदर मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिसके पास में गृह मंत्रालय भी है, पुलिस आपकी, मुख्यमंत्री आप, सरकार आपकी, आप केस दर्ज नहीं करवा सकते राजेंद्र गुड़ा के ऊपर। और मैं ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि सदन के अंदर डायरी टेबल होती और अगर राजेंद्र गुड़ा गलत होते तो सदन में किस तरीके की कार्रवाई होती, शायद पोरस भारद्वाज जी नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, देखिए वो अस्थिर मंत्री है, वो अस्थिर नेता है, अपरिपक्व नेता है, पोरस जी अब आपको याद आता है कि वो अपरिपक्व नेता है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, मैं एक सेकंड आज जल्दी से मेरी बात कंप्लीट कर लें दीजिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं दूसरी चीज ये जो बोल रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा अपरिपक्व मंत्री है, यही राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके बेटे के जन्मदिन पे जाते हैं और कहते हैं कि राजेंद्र गुड़ा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बनती। राजेंद्र गुड़ा को कभी बर्खास्त नहीं किया जाता सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि आप दबाव में थे, आपके काले कारनामों का चिट्ठा राजेंद्र गुड़ा के हाथ में था और आप सक्षम नहीं थे। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि हमारे सबसे बड़े नेता को हमको उतारना पड़ा। हाँ बिल्कुल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जनता का सीधा जुड़ाव है और गरीब कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे थे अभी ये कह रहे थे कि हमारी योजनाएं गहलोत सरकार की योजनाएं बता रहे थे जो लूटने की, वो तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन इनका शीर्ष नेतृत्व गहलोत सरकार के चेहरे पर, अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में खुद कमान है पोरुष जी, इसके काट कैसे ढूंढेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए तो कह रहे अशोक गहलोत के चेहरे पर अब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने किया ही नहीं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। देखिए नेहा जी, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि मेरी बात के जवाब में मेरे मित्र मदन जी ने जो जवाब दिया, मुझे इस बात में संशय नहीं है कि राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात पे है कि ये यहाँ पे कैमरे में बैठ के सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्या इनको इस प्रक्रिया का पता नहीं है कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी छापे मारेगी और केंद्रीय एजेंसी की कोई संपत्ति लेकर के भाग जाता है तो उसके खिलाफ राजस्थान सरकार मुकदमा दर्ज करवाएगी? मैं आपसे पहली बात पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी बात मदन जी, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, सुनिए मदन जी, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुड़ा जी ने और शांति धारीवाल जी ने उनको फाइल नहीं करने दी और आधी डायरी को छीन करके पटक दी। मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा नेहा जी, आपके पत्रकारगण वहाँ मौजूद थे वहाँ पे, और उस रोज जिस रोज की घटना है उस रोज राजस्थान के अशोक गहलोत ने ये नहीं कहा था कि अगर ये नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बचती, ये नहीं कहा था क्या? नहीं देखिए आज वो राजेंद्र गुड़ा इतने आंखों में क्यों खटकने लगे आप लोगों के? इससे पहले उन्होंने इस तरह का बेतुका बयान नहीं दिया था क्या?
मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, कहां की तुलना, कहां से वो कर देते हैं, आपको नहीं पता है क्या? वो राजेंद्र गुड़ा तो बाहर की पार्टी से आए हुए थे, इनके यहाँ तो जो आज इन्होंने जिनको राज्यसभा का सदस्य बना रखा है घनश्याम तिवाड़ी जी को, उन घनश्याम तिवाड़ी जी ने वसुंधरा राजे जी की सरकार के दौरान लगातार 5 साल इनके नाक में दम रखा। आज जो मदन दिलावर जी जिनके जिनके जो खुद उस समय जो बीजेपी आपने क्यों ले लिया था, 5 साल तक लगातार आपने क्यों ले लिया था वसुंधरा की सरकार में दम रखा? आपके यहाँ नेताओं का टूटा था क्या? आपने क्यों ले लिया था, आपने क्यों ले लिया था बाहर से आए थे तो? नहीं ले लिया, सरकार को समर्थन दिया उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से लिया, हमने इनकी तरह विधायकों को खरीद फरोख्त करके नहीं खरीदा, हमने किसी की पार्टी मतलब जो भी आएगा, आपको नहीं पता राजेंद्र गुड़ा किस तरह के बयान देते हैं, या आपको नहीं पता कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, या आपको नहीं पता कि आज आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो अपरिपक्व है, या आपको नहीं पता कि वो अपने कार्यकाल में क्या कुछ देख चुके हैं, कितना कर चुके हैं राजनीतिक क्षेत्र में, क्या क्या कर चुके हैं, आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? या फिर कोई आश्रम खुला है क्या कांग्रेस में कि जो चाहे वो आ जाता है, नहीं देखा जाता ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे कोई भी आए ज्वाइन कर ले? जवाब दे देता हूँ इनकी बात का मैं, नया जी एक जवाब दे देता हूँ इनकी बात का मैं जी। इन्होंने कहा है कि राजेंद्र गुड़ा बाहर से आए हुए हैं और राजेंद्र गुड़ा तो परिपक्व ही नहीं है। पुरुष भारद्वाज जी, राजेंद्र गुड़ा के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजते हैं अलग से, राज्यसभा के चुनाव ध्यान है क्या आपको? ये वही राजेंद्र गुड़ा है, अभी कह रहे हैं कि घनश्याम तिवाड़ी जी को भूल गए क्या आप? मदन दिलावर जी को भूल गए क्या? वो तो आप ही की पार्टी के नेता रहे ना, जिन्होंने 5 साल तक कांग्रेस से ज्यादा वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, भूल गए आप उन चीज को? और वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का परिणाम ये हुआ कि उनको अलग पार्टी बना 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़वाना पड़ा और जमानत जब्त हुई, और उसका वसुंधरा सरकार वसुंधरा जी के खिलाफ वसुंधरा जी के नाक में दम रखने का इनाम आपके केंद्रीय नेतृत्व ने उनको राज्यसभा की सीट के रूप में दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा गई आपकी आंतरिक लोकतंत्र की बात, कहा गई आपकी पार्टी जिस आदमी ने 5 साल तक आपके लगातार विधानसभा भारी तक किया आपके राज्य में, आपके वसुंधरा जी की सरकार के नाक में दम करके घनश्याम तिवाड़ी ने आज आपने उनको सांसद बना दिया? सुन लेते हैं ना, सुन ले पौरुष जी सुन लेते हैं, धैर्य रखे थोड़ा सा जी। मैं बताता हूँ, धैर्य रखो, पानी पियो, और कौन हमारी पार्टी में आपको पिलाएंगे, आपको पिलाएंगे पानी, आने वाले विधानसभा चुनाव में पिलाएंगे, अभी भी पिलाएंगे। सुन लो पुरुष भारद्वाज जी, दो दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी सात सात हाथियों को झीम जाते हैं, वो सात हाथियों को झीमने में से एक हाथी जो है ना अपच कर देता है, अब आपके पहले तो पचा गए थे लेकिन अब आपसे करता रहता है तो निकाले नहीं निकल रहा आपसे। दूसरी चीज, राजेंद्र गुड़ा जी के लिए मैं फिर पूछता हूँ, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी सरकार बचाने वाला कोई है तो राजेंद्र गुड़ा जवाब नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो तो सबने देखा है, वो तो सबने देखा है, वो तो सबने देखा है राजेंद्र गुड़ा को किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था और अब किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आप लोगों की तैयारी पूरी है और मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।